पार्टी के रखनी है सीधे कैसे से यार। जनपद पौड़ी में हरेला पर्व के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण सहित कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत जिलाधिकारी पौड़ी ने आज वृक्षारोपण कर जनपद वासियों से हरेला पर्व में अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि आज वन विभाग द्वारा 30,000 पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही इस मानसून सीजन में 2.75 लाख पौधे रोपण का लक्ष्य वन विभाग पौड़ी द्वारा रखा गया है। उन्होंने कहा कि वन विभाग द्वारा उन्हें अवगत गया है कि जल्द ही इस लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही सर्द मौसम में भी वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है। उन्होंने कहा कि पौधा लगाना ही नहीं बल्कि सुरक्षित रखना भी उनका लक्ष्य है, जिसके मद्देनजर पौधारोपण के बाद इसके लिए बाड़ भी लगाई जाएगी। वन विभाग द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज हम लोग लगभग 20,000 पौधे विभिन्न विकास खंडों में लगाए जा रहे हैं वन विभाग के माध्यम से, और उद्यान विभाग द्वारा जो है इस मानसून सीजन में 2.75 लाख पौधों का लक्ष्य रखा गया है, जिसको वो कह रहे हैं कि हर उसको हम इस मानसून काल के समाप्ति तक पूर्ण अचीव कर लेंगे। और विंटर सीजन के लिए भी उन्होंने अलग से 3 लाख पौधों का एक लक्ष्य रखा हुआ है। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस वर्ष का जो हमारा लक्ष्य है उसको हम लोग अचीव करें वृक्षारोपण के मामले में, और बृहद वृक्षारोपण में हमारा कार्रवाई अच्छा रहेगा। साथ साथ में जो पौधे लगाए जा रहे हैं उसके संगोपन के लिए, उसके संरक्षण के लिए भी प्रयास किया जाएगा। हर पौधे पे ट्री गार्ड लगाना हम लोगों ने कहा है कि अब विभाग स्तर पर उसको आवश्यक रूप से अनिवार्य रहेगा। साथ साथ में जो पौधों की देखभाल होती है उसके लिए भी दायित्व विभिन्न अधिकारियों का दिया जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों में चालखाल का भी हम लोग निर्माण कर रहे हैं, जिससे कि जल स्तर में भी वृद्धि होगी और जो नैसर्गिक संपदा है उसके बचाव में भी बहुत मदद मिलेगी। पौड़ी से न्यूज़ स्टूडियो के लिए मुकेश पसेती की रिपोर्ट।